आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम साहिब सिंह तोमर है, ग्राम बड़दा, तहसील मनावर, जिला धारकर है। मेरा मकान भी डूब में है, खला भी डूब में, और खेती पुनर्वास के लिए ली थी जो मध्य प्रदेश शासन ने अपने नाम पे कर ली बिना पैसे दिए, और पुनर्वास चयन करके शासकीय जमीन पे कर ले, पर अभी तक मध्य प्रदेश शासन का नाम। हम जीआरए भी गए, हाई कोर्ट भी गए, उसमें जवाब देते हैं कि हमारी परियोजना पूरी होगी जब हम तुम्हारा खेत छोड़ेंगे। ये जीआरए क्या होता है? जीआरए कोर्ट होती है। किस चीज के लिए कोर्ट? ये इन लोगों ने बना के दी है उनको कोर्ट, जो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट वहाँ बैठते हैं, जो ये आवेदन देते हैं किसी प्रकार की समस्या का, तो वो उसका निराकरण। बस बांध रिलेटेड है वो, बांध की समस्या। हाँ, इसी संबंध में नर्मदा के डूब के क्षेत्र। तो आपने वहाँ पे आवेदन जमा किया? वहाँ भी किया, हमारे वहाँ भी फैसला भी किया, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं है। क्यों? ये हम, हमारी योजना जब तक चलेगी हम तुम्हारी जमीन को जब तक नहीं छोड़ेंगे, उनका जवाब है लिख के लेखी में। तो जो पैसा दिया मुआवजे के लिए, पैसा नहीं दिया उन्हें, और हमने लिया भी नहीं। क्यों? जमीन का नहीं लिया, हमको देना नहीं था उनको, हम खेती कहाँ करेंगे और हमारी जीविका किससे चलेगी? अरे तो पैसा दे रहे, ले लीजिए। तो पैसा दे लेने फिर जीविका कहाँ से चलेगी? तो उस पैसे से कुछ तो हो जाएगा। क्या होगा उससे? फिर कोई दूसरी जमीन मिल रही है इसे? जो सिंचित जमीन है, पाइपलाइन की जमीन है, ऐसी जमीन कहाँ पे है? अगर आपको सिंचित जमीन दूसरी जगह मिली है तो दूसरी जगह वो बताए हमको संचित जमीन। तो जमीन के बदले जमीन देना चाहिए क्या? पर सिंचित जमीन वो दे कहाँ रहे हैं? उनके पास है नहीं जमीन। कहीं तो होगा? कहीं नहीं है उनके। अरे बिल्कुल जमीन नहीं है कहीं भी बिकाऊ, पहाड़ी तक तो लोगों ने बो दी है, तो जमीन कहाँ है मध्य प्रदेश शासन के पास? वो तो जमीन जिनकी ये गई है उनको पैसा दे रहे हैं। अरे तो वो तो कह रहे हैं कि ये गुजरात के किसान की सिंचाई के लिए है जमीन, तो उनके लिए कुछ लोगों का जमीन जाएगा तो क्या मतलब? तो जमीन जायदाद वहाँ तो बहुत खारची जमीन है जो पकती नहीं सही। अच्छी जमीन है कहाँ? अच्छी जमीन है तो वहाँ के कृषक गिर रहे हैं। अच्छी जमीन वहाँ आप थोड़ी बची, जिधर नमक नहीं ये नहीं बनता, ऐसी जगह भी खारचे जमीन पे वहाँ कोई फसल होती है? तो अभी आपकी सरकार से क्या क्या मांगे, क्या हुआ है पुनर्निवास में और क्या बाकी रह गया? पुनर्वास में बहुत से अवेला है, आधा मकान का किया है, किसी का 300 बनाया है मुआवजा, किसी को 500 बनाया, इस प्रकार से मुआवजा होने में। तो पौन बीघा जमीन के 29,000 में आ जाती है। कितना होना चाहिए? अरे आज 5 लाख रुपए बीघे में जमीन मिल रही है, तो उस हिसाब से उन्हें सर्वे करना था कि नहीं है? आधा मकान का उनने किया जो कवेलू का था, उसका 14,000 उसने मौजा बना दिया, आधा मकान छोड़ दिया, बोले ये डूब में नहीं आता एक आदमी। तो एक आदमी का क्या, आधा मकान डूब में आ रहा है ना, आधा नहीं आएगा क्या? अब वो आधा यही रहेगा ना, आधा पुनर्वास जहाँ बसा वहाँ जाएगा क्या? इस प्रकार से तो उनके कार्य जो इंजीनियर आते हैं वो काम कर रहे हैं, किसी का मकान ऊपर है बैड़ी पे वो डूब में आ गया, नहीं किसी का नीचे है उसको डूब में नहीं लिया। तो आपको लगता है आंदोलन करने से सब? आंदोलन करने से होगा सही, उसको जांच की जाए फिर से कि क्या क्या हुआ है, इनके क्या क्या अनियमितताएं इनने की है, इनके अधिकारियों ने क्या कहाँ कहाँ गलती की है। अरे एक पहाड़ी के ऊपर ऊंचा है मकान, वो डूब में उसने ले लिया, उसी लेवल में जब गांव बसा हुआ तो उसको डूब में नहीं ले रहे, बोले गांव नहीं डूब में है। उनने आधा मकान का उनने जब जीआरए में हमने केस लगाया तो बोले कि वो तो हमारा लेवल कम हो गया है, अब वो डूब में नहीं आ रहा है। तो फिर आधा मकान का सर्वे कहाँ को किया? उनने डूब में नहीं आ रहा तो उसका करना नहीं था नहीं। तो अभी ये जीवन अधिकार जो सत्याग्रह चल रहा है, इसमें आप क्या सोचते हैं कि कैसे और फिर से शासन इन बातों के ऊपर गौर करके फिर से उसको जांच की जाए, और वास्तविक में जिसको मिलना चाहिए किसका डूब में जा रहा है, कहाँ तक डूब में जा रहा है, उसको सही क्यों नहीं बता रहे? पर अगर डूब भी जा रहा है, मुआवजा भी मिल रहा है, तो ये तो बहुत उपजाऊ जमीन है, इसका मतलब बांध सही है या गलत ये तो उसके परे बात। इतनी उपजाऊ जमीन को जो फल दे रही है, जो बाढ़ दे रहे हैं, केले दे रहे हैं, जो गेहूँ पका रहे हैं, जो नर्मदा से पाइपलाइन करके 10-10 किलोमीटर किसान सिंचाई कर रहे हैं, उपजाऊ जमीन है, तो ऐसी जमीन को क्यों डुबा रहे हैं? बांध और जिससे तो फायदा मिल रहा है गुजरात शासन को, मध्य प्रदेश की जमीन को डुबा रहे हैं। अरे तो इसका पैसा भी तो दिया था गुजरात शासन। अरे तो इतने पैसे में कोई जमीन आ रही है? मेरी कम से कम 9 बीघा जमीन थी, उसको उसने किनसे बढ़ाया था? 5 लाख रुपए। आज की स्थिति है कि 5 लाख रुपए में 1 बीघा नहीं जमीन मिल रही,
अरे तो आपको अगर पैसे दे दिए जाए बराबर तो पैसों को हम क्या पैसों को खाएंगे क्या? जमीन को उपजाऊ करके उससे अन्न उपदान करके हमारे परिवार को पालेंगे कि पैसों को खाएंगे? कोई किसी ने पैसा खाया था अभी तक? अन्न खाता है कि पैसा खाता है? अरे सरकार कह रही है आप पैसा लीजिए, जाइए कहीं रहिए। तो कहाँ रहेंगे वो हमको जगह बताए? आसमान में रहना है कि पाताल में रहना? अरे तो पैसा दे देंगे तो आप शहर में जाइए। तो शहर में जाके वहाँ क्या करेंगे? मजदूरी। मजदूरी रोड पे आप खड़े हो जाओ, कौन बुला रहा है? मतलब किसान से शासन मजदूरी मजदूर बनाते रहे। अब उनकी नीति ऐसी है, मतलब किसान को मजदूर बना देंगे वहाँ, तो उसके बच्चे क्या मजदूरी करेंगे? लोग किस प्रकार से करेंगे? छोटे बच्चे बच्चे लोग किस प्रकार से परिवार को पालेंगे? तो क्या नीति क्या होनी चाहिए? हम जमीन नहीं देंगे। नहीं तो जमीन के बदले जमीन चाहिए। जमीन ऐसी उपजाऊ जमीन यदि मध्य प्रदेश शासन के पास है तो बताए पहले हम। इतनी अच्छी जमीन जो डुबा रहे हैं, इतनी अच्छी जमीन और कहाँ? बाकी सब पहाड़ी क्षेत्र है। अरे बांध बना के गुजरात को फायदा कर रहे हैं, कच्छ भुज को, सौराष्ट्र को फायदा कर रहे हैं और डुबा रहे हैं मध्य प्रदेश को। तो फायदा उनका भी तो नहीं हो रहा, वहां पे उद्योग के पास पानी दे रहे हैं ना। जब वो उद्योग को दे रहे हैं तो खेत किसानों को रोड पे और मजदूर क्यों बना रहे हैं? अरे दोनों नर्मदा के तट पे पूरे किसान है, सब खेती के ऊपर डिपेंड है, तो उनकी खेती कहां को डुबा रहे हैं? वो विकास उनको तो इसमें विकास कैसा हुआ आप ही बताएं। आपको ज्यादा अनुभव है, आप बताइए। हमको तो कुछ विकास नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अरे पैसे कभी ले लिए तो पैसे कितने दिन पूरे? जो जमीन है वो औलाद तक पूर्ती है, कितने पीढ़ी उसको खा रहे हैं और पहले से कितने पीढ़ी खा रहे हैं और कितने लोग उसमें अन्न उत्पन्न होता है तो कितने लोग खाते हैं? किसान जो है देश का अन्नदाता, तो कितनों का पेट भरता है? तो ऐसी जमीन को डुबा के शासन करेगा क्या? और किसानों को मजदूर बना देगा तो करेंगे क्या? सभी मजदूर होंगे तो मजदूरी कहाँ करेंगे? एक दो उद्योगपति तो रह जाएंगे ना। अरे उद्योगपति ने उद्योग नहीं चलाया, कल बंद हो गया तो कहाँ क्या करना है उसको? तो भूखे मरने के दिन होते।